इस गल तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस बार गर्मी तो ज्यादा बिजली ते लगते कट्टा ने लोगों की जान कढ़ दित्ती सी। ते इस गल तो भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि सितम तो बचण दे लई जेकर पक्षियों तो बाद लोगों ने किसी चीज़ का सब तो वध सहारा लिया तो वह ठंडे गन्ने के रस का। जो 10 रुपए का गन्ने का रस शरीर को ठंडक पहुँचा देता है, पर कई बार ये रस तुहानू हस्पताल के बिस्तरे से भी पहुँचा सकता, तुहाडे हत्थां दे विच दवाइयां दा लंबा चौड़ा बिल भी फड़ा सकता। जेकर तुसी भी गन्ने का ताज़ा रस पीण के शौकीन हो तो जो तस्वीर असीं तुहानू दिखाण जा रहे हैं वो जरा गौर नाल वेखियो। पूरा मामला की है, कित्थों दा, सब दसांगे, पर पहला वीडियो जरूर देखो। रह गया ना तुहाडा भी मूँह अड्डिया दा अड्डिया, उड गए ना तुहाडे भी होश। दरअसल सनती शहर लुधियाणा विच एक गन्ने दे जूस की रेहड़ी लाने वाले की सीवरेज के पानी नाल गन्ने धोण की वीडियो सामने आई, जिस साफ देखा जा सकता है कि किस तरह गंदे पानी नाल गन्ने साफ करके रेहड़ी दे विच रख रहा है। तो इस तो बाद दूजे इलाके च जाके गंदे पानी नाल धोते हुए गन्ने का जूस लोगों नूं पिया रहा। इस पूरे मामले का पता उदों लगा जो तो स्थानक लोगों ने उसकी इस करतूत की वीडियो बना के सोशल मीडिया से वायरल कर दी। जब PTC न्यूज़ की टीम ने इस गन्ने वाले नूं लभिया तो उसकी शर्मसार ते घिनौनी करतूत बारे सवाल पूछा, पहला तो जनाब खुद को बेकसूर दसन लगे, बाद दे विच अपनी गलती मन के माफिया मंगन लगे। असी गल कर रहे हैं इस टाइम जिहड़ा गन्ने की रेहड़ी वाला छोटे लाल लाल ने, और असी उन्हें वीडियो में दिखा रहे हैं लेकिन वो किदा कर रहा वा। ये आप हमसे ये पूछ रहे हैं, ये वीडियो आप ही की है? ये आप ही की है? नहीं, ये गलना हमारा बड़ी है। हाँ, आपकी है ना? हाँ। तो आप इसमें सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि आप ये सीवरेज के पानी से धो रहे हैं? नहीं नहीं, सीवरेज पानी में वहाँ पर जमा पा। अच्छा। आप देख लीजिए। नहीं, वो जमा था आप लोगों को ऐसे ही गंदे पानी में आप जब देख लीजिए वहाँ, आप देखोगे तो कहोगे यहाँ वाले क्या कर रहे हो। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 40 साल हो गया। 40 साल से? हाँ। तो ऐसे ही रोज पिलाते हैं लोगों को आप? नहीं सर, वो आज नाला खराब हो गया भाई, अब कल जाएंगे बोलने के लिए उनको। नहीं, आपको पता नहीं ये गलत है ऐसे करना? कि पता है कि नहीं पता? नहीं, ये पानी डब्बा गिलास डबल्टी गन्ना उठाया हूँ, थक बाल्टी धो रहा हूँ। आप बकायदा उसको पानी गंदे में भिगो के उसको स्पंज से साफ कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं आप? ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये ठीक कर रहे हैं आप? सफाई तो कर रहा भाई। नहीं, सफाई भाई, सफाई क्या सीवरेज के पानी से होती है? नहीं नहीं, वाह भाई वाह, सीवरेज पानी कोई पिएगा थप्पड़ मारेगा। तो ये जो वीडियो आपकी आई है ये फिर झूठी है? सामने से पानी जी गन्ना यहाँ रहा है, जब गन्ना गिरा पड़ा है तो गन्ना धो रहा हूँ बाल्टी में। बाल्टी तो नज़र नहीं आ रही कहीं वहाँ पे पड़ी? बाल्टी है तो अभी देखिए। नहीं, तो जो आपने ये किया है ये ठीक है? वैसे जो गायों को आप पिला रहे हैं कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं काम आप? नहीं गलत। हाँ जी, गलत है। जब इस मामले का खुलासा करने वाले लोगों असी गलबात की तो उन्होंने की क्या वो भी सुन लो। EWS कलोनी उतो एक वीडियो मेरे वट्सअप से आई जिंद मैं देखा कि गन्ने का रस वाला गंदे सीवरेज के पानी नाल गन्ने धो रहा है, तो उस तो बाद वो एक मेन रोड के उत्ते आके गन्ने का रस बेच रहा है। तुसी एक चीज़ देखते हो कि अजकल लोगों को गर्मी के गन्ने का रस पीण की बड़ी आदत है, कुछ लोग उपवास रखते हैं वर्त रखते हैं वो भी गन्ने का रस पीते हैं, पर इन्हें कित ना कि 2 बाल्टियां पानी भरन के चक्कर गंदे पानी में गन्ने धो के उ रस पिला रहा, और बीमारी का प्रकोप इन्ना ही 1.5 साल तो तुम देखते दे आ रहे हो, पूरा वर्ल्ड परेशान होया पाया। तो हिंदुस्तान तो पहले ही 130 करोड़ की आबादी इतने अगे नहीं संभर रहा कुछ भी, पर कितने ना कि लोग अपने 2 बाल्टी पानी बचाने के चक्कर लोगों की जान खराब जान माल की सुरक्षा नहीं कर रहे, और अपने पानी बचाने के चक्कर गंदे नाले के पानी नाल गन्ने धो रहे। सो तुम भी देखिए तस्वीर कि किस तरह सरेआम तुहाडी सेहत नाल खिलवाड़ हो रहा, एक पासे जिथे कोरोना महामारी का कहर जारी है, दूजे पासे ये लोग आम लोगों की जान नूं खतरे दे विच पा रहे ने, सेहत दे नाल सिद्धा सिद्धा खिलवाड़ कर रहे ने। हुण सवाल यही खड़ा हुंदा है कि जिहड़े ये सारे सरकार ने एडे वड्डे वड्डे डिपार्टमेंट बनाए है, अफसर रखे है, स्टाफ रख्या वा, उन्हां दा की काम है कि सिर्फ अपने AC दफ्तर बह के सिर्फ तनखा लैनी, या कि किते जाके चैक करना कि जिथे किते कोई गलत हुंदा है उत्थे जांच करके कि लोकां दी जान माल हुंदा खिलवाड़ बंद करवाना भी उन्हां दी ड्यूटी शामिल है या नहीं, ये असीं नहीं कह सकते। क्योंकि जिस तरीके नाल लोग दस रहे ने कि इत्थे सारे पासे चाहे वह हलवाइया दी दुकानां ने या किसी भी जगह ने, कुछ ऐसी जगह जिथे सरेआम सारियां धरनियां होने के बावजूद अफसर नहीं जाते क्योंकि उन्हां
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੇ ਦੂਆ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।